पावे निज पद राज। क्षणे रुष्ट क्षणे तुष्ट रुष्ट तुष्ट क्षणे क्षणे। बहुत अच्छा छंद है। क्षण में ही रुष्ट होना, क्षण में ही खुश हो जाना, ऐसा खुश होना और दुख होना निरंतर, ऐसा जिनका स्वभाव है असंतुष्ट चित्तानां तु प्रसादोपि भयंकर। अर्थ कोई समझ रहे है इसका? बहुत सुंदर छंद है। जो क्षणार्ध में खुश होता है और क्षणार्ध में एकदम टेम्पर में चला जाता है, अभी एकदम बहुत आदमी जैसा बात कर रहे हैं, एकदम दानव जैसा बन जा, जिसका मूड का कोई ठिकाना ही नहीं है, कभी आपके सिर भी फोड़ सकता है, कभी आपका पैर भी दबा सकता है, ऐसे जनों से पैर दबवाना भी रिस्कलेस वर्क नहीं है, क्योंकि उनका थोड़ा भी परिणाम बदल जाए तो कहो तो तुम्हारा सिर भी फूट सकता है। क्षणे रुष्ट क्षणे तुष्ट, रुष्ट तुष्ट क्षणे क्षणे। समझ रहे? अनादिकाल से जीव की परिणति चल रही है, कभी सुख कभी दुख को भोगता जा, कुछ पल दुख में गुजरते हैं तो एक भिखारी भी है, दुख में अपना समय गुजारता हुआ उसको कोई टुकड़ा भी फेंकने को जाए तो उतने मात्र में सुखी होता है, सुखी कल्पना कर लेता है। आगे ये कहते हैं असंतुष्ट चित्तानां तु, जिसका चित्त ही असंतुष्ट है, प्रसादोपि भयंकर, उसका खुश होना भी भयंकर होता है, क्योंकि उसके पास उसके बाद यदि वो तुम्हें नजदीक लेगा तो कभी भी तुम्हें जान गंवानी पड़ेगी। और राजा महाराजाओं का कुछ ऐसे ही हुआ करते थे, आप लोग सब जानते हैं, जो नजदीक हुआ करते थे राजा महाराजा के, थोड़ा दिमाग कभी सटक गया तो कहो तो एकदम बनारसी दास जी देखो ना, एकदम निकटवर्ती थे अकबर बादशाह के, किसी ने कान भर दी, बोल दे ये आदमी ऐसा ऐसा, उसको सबके सामने इंसल्ट कर ये कहकर किया तुम इसके बाद दरबार में नहीं आओ, आदि आदि बहुत सारी बातें हुई। और काफी टाइम के बाद अकबर को ये इस बात का एहसास हुआ कि जो मैंने कदम उठाए दूसरों के कहने पर उठाया, वास्तविकता ऐसी कुछ भी नहीं थी, मैंने आपको कभी कहा होगा अर्ध कथानक में ऐसा आया है, नंगे पैर रात में दौड़े दौड़े, सारथी और रथ की भी बात नहीं, पहुंच गए घर पर माफी मांगने के लिए, एक राजा जो चाहो मांगो आप, तो यदि मांगना ही है तो हम यही मान सकते हैं कि इसके बाद हमको दरबार में नहीं बुलाना, हमारा मकसद उद्देश्य कुछ है भी नहीं ऐसा, हमको कोई ख्याति आदि नहीं चाहिए, हमको जहां पर है वही बने रहने दीजिए। सदा सुखदास जी पर भी किसी ने कुछ, उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे हम तनख्वाह बढ़ाते हैं, तो उन्होंने इतना ही कहा तनख्वाह ही बढ़ाना है, कुछ ऐसा ही हमारे ऊपर खुश हो ही गए हैं आप तो तनख्वाह ना बढ़ा के बोलो, थोड़ी गुदन घटाए वर्किंग आवर्स घटाए, स्वाध्याय का हमारा समय बढ़ेगा तो हमको वही अच्छा लगेगा। खैर प्रकरण तो अभी ये चल रहा है, कैसे क्षण में सुखी क्षण में दुखी होने वाले जीवों की परिणति इतनी विचित्र है, उनका सुखी होना भी असंतुष्ट चित्तानां तु प्रसादोपि भयंकर, उनका सुखी होना भी बड़ा डरावना और बड़ा भयंकर हुआ करता है। खैर प्रकरण वेदने के निमित्त से होने वाले सुख दुख का, हमारा होने वाले दुख और उससे निवृत्ति का चल रहा है, जिसमें दो प्रकरणों पर हम चर्चा कर चुके हैं, यह जीव किस प्रकार दुखी है वेदने कर्म के निमित्त से, जैसा नाच नचाए वैसा नाचता जाता है और दोनों तरफ मरता है, क्या कहा समय, क्या कहा, दोनों तरफ मरता है। ज्ञान दर्पण नाम का एक जिनवानी है, वैसे तो छोटी सी पुस्तिका है ज्ञान दर्पण, देखिए आई थिंक दौलत राम जी कासलीवाल की पुस्तक होनी चाहिए,
उसमें बहुत अच्छे अच्छे काव्य लिखे हैं, वैराग्य पर काव्य, उसमें कल्पना की है कवि ने, लेखक ने कल्पना की है. वंस देयर वाज अ पर्सन एंड समहाउ ही लॉस्ट हिमसेल्फ. अनादिकाल से तो सब अपनी सुधी बुद्धि सब खोई बैठे हैं, वैसे भी जंगल में खो गए. अब खो गया अचानक, अकेला ही था, अचानक दूर से देखा बहुत सुंदर. बोलो आगे के बाद. मैंने कुछ भी नहीं कहा था. सुंदर स्त्री सामने दिखी, मेरे शब्दों की तरफ ध्यान दे. सुंदर स्त्री दिखी, उसको लुभावनी थी, कोई है भी नहीं यहां पर, इसलिए जंगल उसका नाम है जहां पर पांचों पाप खुलकर होते हैं, क्योंकि समाज के बंधनों से जीव खुलकर पाप नहीं कर सकता. जहां पर खुलकर पाप होते हैं, और तिरेंचों को भी वैसे, उनको क्या मर्यादा है तिरेंचों की भी, और मानव भी वहां पर जाए वैराग्य के बिना, मुनियों की बात नहीं, तो फिर वहां पर भी वही परिणति देखने मिलती है. चोरों के अड्डे जंगलों में हुआ करते हैं, जुआरी भी जंगलों में ही मिलते हैं प्राय, चोर भी वही मिलते हैं, कुशीली भी वही मिलते हैं, आदि आदि. दूर से उसने स्त्री को देखा, उसने इशारा भी किया. इशारा किया उस नारी ने, ये पीछे पीछे दौड़ता रहा, दौड़ता रहा. अच्छा है, अच्छा है, घटना अच्छी है. यदि हम शिक्षा लेना चाहें तो घटना बहुत ही अच्छी है, और हमारे जीवन के हर एक पल ऐसे गुजर रहे हैं. जो भी कोई लुभावनी चीज दिखती है उसके पीछे दौड़े दौड़े दौड़े, दौड़ते 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 उसको ऐसा लगा बीच में कि ये इतनी क्यों भाग रही है, जब ये मेरे से राजी भी है क्यों भाग रही है. लेकिन उसने उस बात को नजरअंदाज करके दौड़ता रहा. आखिर वो ये सोचता इस बात को, मैं घंटों जिसके पीछे लगा और वो हाथ में नहीं आ रही है, वो कोई मानव तो नहीं होना चाहिए. आप समझ रहे हैं. एनीवे वो दौड़ता गया दौड़ता गया दौड़ता गया, और बियॉन्ड रीच जानकर हाफता हुआ गिरता, फिर खड़ा रहता, फिर दौड़ता, फिर गिरता, और इस सिलसिला जारी रहा. विषय की प्राप्ति नहीं हुई, और उसके पूर्व ही विषयों की अतृप्त भावना से ही विषय वासना से तो जरूर मर गया, डेथ हो गई. इवेंट वन. इवेंट टू, इन सेम जंगल और एक आदमी हिरा गया था, और उसने ये देखा दूर से, उसको कुछ चीज बहुत डरावनी दिखी. वो डरावनी चीज दिखी, वो दौड़ने लग गया. अब समझ लीजिए दोनों घटनाओं, एक के पीछे वो दौड़ रहा है और एक में उसका पीछा किया जा रहा है. वो दौड़ रहा है, पीछा कर रहा है, वो कौन हुआ? वो पीछा कर रहा है, वो दौड़ रहा है, पीछा, वो पीछा कर रहा है, ये भी दौड़ रहा है. अब हुआ ये कि दौड़ते 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 टकरा एक पत्थर को, गिर गया. ये कई दफे होता रहा, ऐसे में प्राणांत हुआ. निष्कर्ष, वो कौन व्यक्ति है जो लुभावना लग रहा था? बहुत अनेक अनेक रूप बनाता है वो, ना ही आपका अच्छा करता है ना ही आपका बुरा करता है. परमार्थ बात तो ऐसी थी, एक राग और एक द्वेष. आप समझ रहे हैं, मुझे इससे हटना, ये मेरे सामने ना आए, इसके लिए या तो जीवन तबाह करता है, वन फेज ऑफ लाइफ, एंड द अदर फेज ऑफ लाइफ किसी की प्राप्ति के लिए ही अपना जीवन लगा देता है. और दोनों में हालत तो वही होती है, मनोरथ उसका सिद्ध नहीं होता, पर आधे अधूरे में ही उसको निकलना पड़ता है. बहुत अच्छी उस वहां पर बात कही है, यह जीव दुखी है वेदने कर्म के निमित्त से, साता वेदने असाता वेदने दोनों के निमित्त से जीव दुखी है. बचने के लिए यह क्या करता है, कल बात पूर्व कक्षा में हमने देखा था, उस विषय को बनाए रखना चाहते हैं जिसको वो सुखरूप भाषित होते हैं, और जिन वस्तुओं को वो दुख रूप मानता है उनको वो हटाने पर तुला है. कृत से, कारित से, अनुमोदन से, मन से, वचन से, काय से, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. लेकिन तेरे किए हुए उपाय झूठे हैं के कॉलम में पहला पॉइंट हमने बनाया था, बोलिए.
बोलिए इसके अधीन नहीं है आपने लिखा है, पर किसने क्या लिखा है? बोलिए वस्तु उपाय के अधीन जो अपने। अच्छा अपने अधीन नहीं, एक सिंपल वर्ड्स में ये भी हो सकता था, एक सिंपल वर्ड जो कॉमनली हम यूज करते आ रहे भवितव्यतादि, इसका वस्तु की प्राप्ति होना कव्य के कोसने से, बोलो कव्य के कोसने से ढोर नहीं मरा करते, जानते इसके इसका अर्थ, समझते हैं, समझते इसका अर्थ रचित, कव्य के कोसने से ढोर नहीं मरते, क्यों कहा? उदयपुर में ऐसा होता है जब ढोर मर जाते हैं, जब ढोर मर जाते हैं तो उस दिन कव्य की तो चांदी होती है, कव्य को तो डाइट मिल गया, कव्य तो ऐसे ही पर तो पलता है, कौवा रात दिन यही तो चाहता है कोई ना कोई मर जाए, यदि ऐसा चाहने लग जाए और ऐसे ढेर होने लग जाए ये ढोर तब तो भी शांत हो जाता भूतल, लेकिन कव्य के कोसने से शुक्र है ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक उसी प्रकार किसी की दुआ से, जिस प्रकार किसी की बददुआ से किसी का घाटा नहीं होता, उसी प्रकार किसी की दुआ से अच्छा नहीं होता, यह भी प्रकृति का एक क्या कहना चाहिए, अनअवॉइडेबल इनएविटेबल फेज है ये, अकाट्य रूप है। तो उपाय किए हुए झूठे इसलिए क्योंकि भवितव्यताधीन है। एक दूसरा पॉइंट पर हम आए थे जिसमें यह कहा था, बोलिए कोई, क्योंकि एक के बाद दूसरे को भोगना, क्या हेडिंग क्या डाला था, एक के बाद दूसरा, ओके अपन आप हेडिंग जैसा बनाना चाहो वैसा बनाओ, क्योंकि एक को भोगते समय दूसरे की आकुलता बनी रहती है, निश्चित रूप से एक भी भोग को वो नहीं भोग सकता, ये पैराग्राफ कल हम देख चुके थे, सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, उसके किए हुए उपाय झूठे क्यों है, इसकी हम मीमांसा चल रहे हैं, जिसमें दो कारण देखने के बाद एक कारण देखने के पूर्व एक विकल्प आया कंटिन्यूटी के लिए, फिर से कल का पैराग्राफ हम रीड आउट करें एंड देन हम आगे बढ़े। तथा कदाचित उपाय भी करें और वैसा ही उदय आए, गेटिंग पेज 59, तो थोड़े काल तक किंचित किसी प्रकार के असाता का कारण मिटे और साता का कारण हो, वह भी मोह के सद्भाव से उनको भोगने की इच्छा से अकुलित होता है। एक भोग्य वस्तु को भोगने की इच्छा हो तब तक वह नहीं मिलती, जब तक वह नहीं मिलती तब तक तो उसकी इच्छा से अकुल होता है। और हमारा माफ करना आप लोग, हमारा सगा बाप भी क्यों ना हो, और जब तक हमारी वो मनवांछित इच्छा सिद्ध ना हो वो बच्चे भी रूठ जाता है, छोटे बच्चे रूठ जाते हैं, इसमें इसमें कोई बहुत तकलीफ की बात नहीं, अनबन हो जाती जीवन भर के लिए, अन्य को भोगने की इच्छा हो जाती तब उससे आकुल होता है। जैसे किसी को स्वाद लेने की इच्छा हुई थी, उसका आस्वाद जिस समय हुआ उसी समय अन्य वस्तु का स्वाद लेने की तथा स्पर्शन आदि की इच्छा उत्पन्न होती है, वन आफ्टर द अदर एंडलेस इसका चलता रहता है, ऐसा कोई फाइनल पॉइंट नहीं है जहां पर ही विल हुक आउट, जहां पर वो रुक जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एंडलेस चलता रहता है, असीम चलता रहता है, मीठे के बाद तीखा, तीखे के बाद मीठा, ये सब चलता रहता है। एक सेकंड कहते एक के बाद दूसरा, दूसरा का चाहता रहता है और फिर तकलीफ ये है उस भोग के ही कारण दूसरे को सोचता है, तो इसका तो मजा किरकिरा हो जाता है, इसको उसको भोगने का उसको भाव होने लगता है। दूसरी बात ये है इसके बाद वो भोगना चाहते उसकी छोड़ो, अमुक भोग भी अनेक अनेक प्रकार से करना चाहते हैं, एक वस्तु भी अमुक प्रकार से भोगते समय यहां पर लिखना चाहिए, वहां पर अनेक वस्तु था, यहां पर एक वस्तु में अनेक प्रकार का है, एक प्रकार से हटकर दूसरे प्रकार में, आई मीन टू से जैसे भोग करना है एक ही वस्तु का, जैसे मान के चलिए उदाहरण के तौर पर गेहूं का भोग करना है, उदाहरण तो बहुत ही जबरदस्त दिया है इन्होंने आगे, तो मैं तो सिंपल उदाहरण दे रहा हूं पहले, जैसे गेहूं की रोटी रोज खा रहे लेकिन उसको अन्य भोग तो वैसे ही रहे हैं लंपटता से,
लेकिन ऐसा होने पर भी लंपटता इतनी कि अनेक अनेक प्रकार से उसको भोगने का भाव होता है. मतलब अनेक अनेक प्रकार से, मतलब आज आज पराठा बन जाए, आज पूड़ी बन जाए, आज ये बन जाए, आज वो बन जाए, उसी के. और माता बहने बखूबी से एक चीज दस दस वैरायटी से कर लेती है. तो एक ही चीज को अनेक अनेक प्रकार से भोगना चाहता है, ये भी इसकी बहुत दुर्दशा है. कहते हैं ये दुखी की बात बताई जा रही है. यहाँ पर उदाहरण कैसा दिया है, देखो साहब तो ऐसा उदाहरण देते जैसे किसी लड़की को देखा. थोड़े दिन पहले ये उदाहरण मैंने दिया था. अभी देखने के लिए तरस रहा था, तड़प रहा था, इन्हीं हम वो दिख तो जाए. फिर उसको एकदम लगता है ऐसा कोई उसके पास लेके जाए. अभी तो दूरी से देखा, ऐसा लगता है कोई पास लेके जाए. फिर संभव ऐसा लगता है जिस कंपनी में वो खड़ी उस कंपनी में हम भी एक हिस्सा बने वहां पर. तो उसके लिए जो फ्रेंड्स वहां के उनके साथ थोड़ा सा नजदीकी साधता है, उसके पीछे अपना पैसा लगाता है, सब लगाता है, अपना सब कर सकता है, अपने स्टैंडर्ड के लिए सब करता है. फिर उस ग्रुप में खड़ा रहने के बाद फिर पार्टीज फंक्शंस चालू होते, धीरे धीरे वो ताक में है. फिर थोड़ा सा बात करने का भी वो विचार करता है. फिर बात किया तो फिर बात करने के बाद फिर उसको आगे बढ़कर, क्योंकि कोई भी चीज प्रारंभ होती है इट स्टार्ट्स फ्रॉम इंट्रोडक्शन ओनली, परिचय से ही प्रारंभ होती है. जितने जन ऑल द पीपल फॉलिंग इन लव, क्या उनका ऐसा प्रीप्लान था आई एम गोइंग टू फॉल इन लव, ऐसे प्रीप्लान हुआ करता है? फॉलिंग का कोई प्रीप्लान हुआ भी नहीं करता है. उन्होंने बस साधारण बात करने गए, नजर से नजर भिड़ गई एंड ऑल द कैलमिटी ऑकर्ड जो ही इज फेसिंग टुडे नाउ. अभी कहना ये है आज बात करने लग गया, बात करने के बाद उसको ऐसा लगा, आज की भाषा में डेटिंग कहते हैं उसको, हाँ जानते हैं डेटिंग का उसको विकल्प आया. डेटिंग इज मतलब हम अमुक अमुक जगह मिलेंगे, ये भी मिले ही है, नहीं ऐसे नहीं मिलेंगे, कैसे मिलेंगे भैया, वहाँ पर होटल में मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे, आ जाए आ जाए. फिर उसको आगे चलकर ये भी भाव होता है एक ही वस्तु को, एक वस्तु को. अभी ये मैं ये कह रहा हूँ मैं आपको, ये लड़की को बहुत भोग लिया, कल का जो राम का उदाहरण दे रहा था मैं, इसको भोगा भी उसको भोग, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ. एक ही वस्तु को कितने प्रकार से भोग, फिर उसके साथ रमण करने का भी भाव उसको हो जाता है. फिर रमण करने में भी अनेक अनेक प्रकार तो उसको भाषित होती है. और इसके भी कुछ कम शास्त्र नहीं लिखे गए हैं, ये सब इच्छाओं का प्रभाव है जिसके बल पर ये सब साहित्य का सृजन हुआ. जिस प्रकार खोज, सुख की खोज ने ये सब शास्त्र लिख डाले, उसी प्रकार जो तड़प रहे थे, तरस रहे थे, उन्होंने अलग अलग प्रकार के शास्त्र लिखे. आइए एक पैराग्राफ हम पढ़ लेते हैं. अथवा एक ही वस्तु को मिल रहा है सबको, मिल रहा है, क्या चाहिए आशा शांत रहे. अथवा एक ही वस्तु को पहले अन्य प्रकार भोगने की इच्छा हो, जब तक वह नहीं मिले, समझ में आ रहा है सबको, तब तक उसकी आकुलता रहे और वह भोग हुआ उसी समय अन्य प्रकार से भोगने की इच्छा हो जाती है. और उस दिन हमने उदाहरण दिया था थोड़े दिन पहले, बोलिए ऐसा एक उदाहरण मिलता जुलता हमने उदाहरण दिया था, पद्मावती का उदाहरण दिया था. कौन, क्या नाम बोला था, पद्मिनी. मैंने उदाहरण दिया था मेवाड़ का एक उदाहरण दिया था, उसकी तो इच्छा पहले इतनी हुई अलाउद्दीन खिलजी की, जिसमें यह बात हुई उसको तो बस देखना है मुझे. पहले बोला ठीक है दर्पण में देख लेंगे, फिर बोला प्रत्यक्ष देख लेंगे. अभी इतने में मात्र से उसको भूख नहीं शांत हुई और वो तो शादी करता और फिर रमण करता, फिर शादी करता और फिर इतने मात्र से थोड़ी, बहुत दर्दनाक मौत भी इनको दी जाती थी. आप जानते हैं अफजल खाने हुआ है मुगल, जानते हैं आदिल शाह को सेनापति था वैसे, उसकी सुनते 63 वाइफ्स थी. हाउ मेनी, 63. इनके साथ कैसा सलूक होता है देखिए आप. जब वो अंतिम उसका मरण होना था, जब प्रतापगढ़ के वहां मिलना तय हुआ उनका शिवाजी का और उनका, जिसमें फिर शिवाजी ने उसको खत्म कर दिया था, आप सब जानते होंगे थोड़ी बहुत, इतना सुना है कभी,
नहीं सुना है? तो जाते समय उसने अपनी 63 पत्नियों को बुलाकर सबको खत्म कर दिया। जो अभी अभी प्रारंभ में कह रहा था, क्षणे रुष्ट क्षणे तुष्ट, रुष्ट तुष्ट क्षणे क्षणे, और एक जगह नाम भी है ऐसा, एक गांव का नाम है 60 कब्र, ऐसे कुछ नाम है। तो वो इस बात को लेकर है कि वो यहाँ पर सब कब्रे सबको मार के फिर चला गया था, क्योंकि उसको भी पता नहीं था मैं लौट आ पाऊंगा कि नहीं, इनके साथ रहने की ये तकलीफ है। खैर अभी मैं क्यों कह रहा हूँ इतना सारा, एक भोग भोगा है उसको अनेक अनेक प्रकार से भोगने का इसको भाव पता। देखिए भोगने की इच्छा हो जाती है, जैसे स्त्री को देखना चाहता था, अलाउद्दीन खिलजी का उदाहरण इसमें बराबर बैठ सकता है, जिस समय अवलोकन हो उसी समय रमण करने की इच्छा होती है, तथा ऐसे भोग भोगते हुए भी उनके अन्य उपाय करने की आकुलता होती है। अब भोजन भी समझ सकते, इसको तो असामाजिक माना जाता है लोग में, उदाहरण देने को भी बहुत अच्छा नहीं लगता गद्दी से, चूंकि ये उदाहरण दे ही रहे हैं, यही उदाहरण दिया इन्होंने। लेकिन मैं कह रहा हूं भोजन में भी, मैं आपको कई दफे कहा होगा, मैं मेरे घर में भी बोल रखा है कि घर में यदि कोई बोलेगा, पहले बहुत बोलता था मुझे, अभी तो आवश्यकता ही नहीं रही, किसी ने कहा यह चीज अच्छी हुई तो मैं कहता था, मैं ये सुनकर फिर अंतराय मानकर फिर मैं उस दिन भोजन ही नहीं करूंगा, क्योंकि चौके में ये बात करना ही नहीं, ये अच्छा हुआ ये खराब हुआ जो भी आता है चुपचाप सब सबको ले, तप बड़ा उन हेतु नहीं पोषते तज रसन को, तथा ऐसे भोग भोगते हुए भी उनके अन्य उपाय करने की आकुलता होती है, तो उन्हें छोड़कर अन्य उपाय करने में लग जाता है, वहां अनेक प्रकार की आकुलता होती है। आगे फिर ये होता है, कहते हैं और कैसे कैसे वो उपाय करता है, उसके किए हुए उपाय झूठे कैसे है, उसके कुछ एग्जाम्पल्स पेश किए जा रहे हैं। जैसे कहते कोई धनार्थी, वो धन के अर्जन के लिए क्या क्या नहीं करता, उस दिन थोड़ा सा हमने डॉक्टर का उदाहरण देख लिया था, आपको याद है, बहुत सारा आपको सर्वे करना चाहिए, ऐसे जनों के साथ बात करना चाहिए, कहना चाहिए मुझे जो मोटिवेशनल स्पीकर्स के रूप में आपके बीच में बुलाए जाते हैं, मुझे लग रहा है जो भी यहाँ पर आते हैं पास आउट मंगलार्थी, और उनको बुलवाया जाता है, प्राय उन्हीं को बुलवाया जाता है जो आज बहुत अच्छी सीट पर बैठे हैं, या तो पैसे की अपेक्षा या तो प्रतिष्ठा की अपेक्षा, राइट। बल्कि मुझे यह कहना है हर एक मंगलार्थियों की पहल करके उनको भी बुलाया जाना चाहिए, जिससे अन्य प्रकार की शिक्षा भी मिल सके, अन्य प्रकार की मतलब किसी को जिसकी इच्छा सिद्ध नहीं हुई तो उसको भी सामने बुलाकर तो वो ये समझाए सबको, अब नाजायज इच्छा नहीं करना चाहिए, जहां पर है आपको रहना चाहिए, मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन वो बात नहीं बनी, आप बहुत भूत सवार नहीं होना चाहिए आप पर प्रयास का, क्योंकि देखिए ये आदर्श समझिए आप कि मैंने भी खूब प्रयास किया और मेरे से सिद्धि नहीं हुई, मतलब हम वस्तु स्वरूप समझना ही भूल जाते, ये हमको ये चाहिए मूल में चीज, समझ में आता है। तीसरी चीज ये कह रहे हैं यहाँ पर, जो धनार्थी होता है वो धन कमाने के लिए क्या क्या नहीं करता, धन कमा भी ले कदाचित रक्षा के लिए क्या क्या नहीं करता दो, और फिर भी उसके हिसाब से कुछ भी व्यवस्था नहीं चलती, कहते देखिए, देखो एक धन का उपाय करने में, व्यापार आदि करते हुए तथा उसकी रक्षा करने में सावधानी करते हुए कितनी आकुलता होती है, बेटी ये तो मैंने थोड़ा सा उस दिन डॉक्टर का कहा आपको, और मैंने आपको और ये भी कहा था, हेनरी फोर्ड ने भरी सभा में ये रोकर सबके सामने इस रूप से पेश आए थे, धन दौलत में बिल्कुल सुख नहीं है। और थोड़े दिन पहले मैंने आपको बिल गेट्स के बारे में भी बताया था, जिन्होंने एक मैसेज संपूर्ण वर्ल्ड को दिया था ये कहते हुए लाइफ इज नॉट फेयर, याद आ रहा है आपको, गेट यूज्ड टू इट, ये चाहिए। मुझे बहुत अच्छे से याद आता है जो मेरे साथ काफी जन इंजीनियर्स वगैरह भी बने, जिस दिन शादी हुई उनकी, उस दिन फेरे पड़े और तत्काल निकल गए 20-20 दिन के बाहर, और वो नहीं ऐसा होता
तो जो उनका टेंडर फंसा था उसमें उनको करोड़ों का घाटा हो जाता और पूरा जीवन पत्नियां रहती है राजमहल में और कॉन्ट्रैक्टर होकर इंजीनियर्स होते हैं आप जानते हैं ना बड़े बड़े साइट इंजीनियर्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं रोड के डैम्स वगैरह के बहुत मेरे एकदम नजदीक दोस्त रहे हैं ऐसे तो मैं उनके साइट पर भी जा जाकर देखा है तो साइट पर ऐसी जगह रहते हैं यकीन मानना जहां पर 15-15, 20-20 किलोमीटर दूर तक आपको कुछ भी नहीं मिल सकता एक ठेला भी नहीं और सुनिए हालत खराब 5 साल में साइट तैयार करेंगे कमाएंगे करोड़ उसकी बात नहीं 5 साल में जैसे साइट तैयार हो गई सुनिए लाइफ अभी बस्ती यहां पर बसेगी यहां पर तो बस्ती बसेगी अभी आकर और नेक्स्ट डे उनको नई साइट मिलती है वो साइट फिर एक जंगल हुआ करता है उस वीरान को खड़ा करने करने में 5 साल लगते पब्लिक बसी फिर जंगल पकड़ लेते ऐसे 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 में पूरा जीवन मिट्टी धूल में पूरा जीवन चला जाता है टाइम पर खाते तक नहीं है केवल पैसे के लिए वैसे डॉक्टरों का समझना चाहिए क्या क्या हाथ में ले लेकर जीवन निकालते आप समझ रहे होंगे मेरी बात को कुछ समझ रहे मरीज कौन सा आ सकता है डॉक्टर के पास किसी भी प्रकार का आ सकता है आप उसको कुछ बोल सकते हो और वो ये कह सकता है मेरे प्राइवेट ऑर्गन में तकलीफ है आप उसको क्या कहकर बाहर निकाल सकते हो आप नहीं कर सकते ऐसा वो कुछ भी कहे आपको एक एक अंग उपांग उसको देखना पड़ेगा और थोड़ा भी उसने क्राइम नहीं एचआईवी का मरीज आया और उसको यदि इल ट्रीट किया डॉक्टर ने तो क्राइम है कहने का तात्पर्य डॉक्टर होकर क्या कर रहा है इंजीनियर होकर कहां जीवन तबाह कर रहा है जंगलों में खाक छान रहा है और पत्नी राजा ऐश्वर्य भोग रही है और बावजूद इसके देखो एक धन का उपाय करने में व्यापार अधिक करते गेटिंग करते हुए तथा उसकी रक्षा करने में कदाचित व्यापार किया भी और पैसा आया भी उसका क्या आपके पापाओं को जरूर पूछ लेना चाहिए पापा जी तो आपको पता चलेगा आजकल इतनी कहना चाहिए इकोनॉमिकल क्राइसिस में खड़े हैं सभी पैसा बहुत होने पर भी बहुत बड़ी समस्या ये है आज पैसे का करें क्या बैंक में रखे तो रिस्क है पूछना चाहिए आप तो फील्ड में नहीं है तो आपको पता नहीं एक एक बैंक रोजाना ऑफ होती जा रही बंद होती जा रही ऐसे में लगता है पैसा कैसे होगा गोल्ड परचेस करे तो चोरी कर दे उसमें डर क्या करे समझ में नहीं आता सेकंड करते हुए तथा उसकी रक्षा करने में सावधानी करते हुए कितनी आकुलता होती है तथा क्षुधा तृषा शीत उष्ण मुझे अकेले में बताया है और अमिताभ बच्चन का तो बहुत टाइम से सब जानते हैं लगभग कितने साल तकिए के नीचे एक रिवॉल्वर लेकर सोना पड़ा जिस आदमी को और हालत इनकी कोई अच्छी थोड़ी होती है रक्षा में वो सो ही नहीं सकते आप समझते बार बार ये दरवाजा देख कर वो बार दरवाजा देख कर कुत्ते भी छोड़ दो गार्ड भी रख दो ये भी करो एनी मिन देन गार्ड तुमको टपका दे दो क्योंकि जितने बड़े बड़े प्लॉटिंग होंगे उनके हेल्प करने वाले यही तो होते हैं लोग इंदिरा गांधी को किसने मारा रक्षक नहीं मारा ना तो यहां से यहां बंदूक करने में क्या जा रहा है निरंतर टांगती तलवार भाई आकुलता तथा क्षुधा तृषा शीत उष्ण मल श्लेष्म आदि असाता को उदय आता ही रहे उसके निराकरण से सुख माने सो काहे का सुख यह तो रोग का प्रतिकार है रोग मिटे तब तो बात है एक गोली लेकर बुखार उतरासा लगा तो मूल में बीमारी हटी नहीं मूल में बीमारी हटी नहीं है बुखार 2-3 दिन के लिए दबेगा फिर उभरेगा क्योंकि बीमारी अंदर है ठीक उसी प्रकार कह रहे हैं अभी भोजन कर लिया अभी वर्तमान की शांत हो गई लेकिन क्षुधा नामक दोष अभी भी चल रहा है बराबर तो उसका क्या होगा जब तक क्षुधा दिख रहे तब तक उनको मिटाने की इच्छा से आकुलता होती है वह मिटे तब कोई अन्य इच्छा उत्पन्न हो क्या वह मिटे इज दैट ऑल वो हुई खत्म और दूसरी इच्छा खड़ी हो इच्छा उत्पन्न हो उसकी आकुलता होती है अगेन वही स्क्रिप्ट आप गौर कर रहे होंगे वही बात कह रहे जो अभी 2 पैराग्राफ के ऊपर कह रहे थे वह मिटे तब कोई अन्य इच्छा उत्पन्न हो उसकी आकुलता होती है और फिर क्षुधा दिख हो तब
उनकी अपुलता हो आती है, वन आफ्टर द अदर, एक 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 कषाय चलती रहती है। और ऐसा भी नहीं एक को एक बार निपटा दिया तो फिर से नहीं आएगा, एक बार किसी को हफ्ता बांध दिया आपने, ऐसा होता है। बड़े बड़े शहर वाले बात को समझते हैं, मुंबई वगैरह में रहना आपको कैसा लग रहा है, मुंबई कैसा होगा सिटी आपको, और हर एक का एक कहना चाहिए एक ड्रीम सिटी हो जाता है मुझे मुंबई जाकर सेटल होना। और वहाँ के लोगों की यह हालत है, इवन पुणे के, वहाँ के एक्सटॉर्शन के रूप में, एक्सटॉर्शन समझते हैं, हफ्ता वगैरह लेने आते हैं, तो हमको इतना पैसा चाहिए, और इतना पैसा चाहिए नहीं तो इतना नाटक करते हैं किसी भी रूप में। अच्छा उनको पैसा नहीं दो, कभी भी उड़ा के चले जा सकते हैं, सब कुछ नहीं। अच्छा पैसा दो तो, पैसा दो तो सुनिए आप ध्यान से, पैसा दो तो वे तो निकल कर चले जाते, फिर से आएंगे नहीं, कहते तो है लेकिन वे उनके साथियों को कहते हैं कि ये आदमी डरपोक है, ये दे सकता है, अगर तुम लोगों इसके पीछे, फिर वो तुम्हारा आदमी हमको दिखाओ, हम हमारा आदमी तुमको दिखाते हैं, ऐसा मिलकर सब लूटपाट चलता रहता है, और फिर कुल मिलाकर कुछ नहीं, इनसिक्योर लाइफ बना रहता है, अथवा जिनको पोजिशन में खड़ा रहना है फिर उनको भी वैसा बनना पड़ता है, फिर ये सब समस्या होती रहती है। तब फिर क्षुधा अधिक हो तब उनकी आकुलता, तब उनकी आकुलता हो आती है। इस प्रकार इसके उपाय करते हुए कदाचित असाता मिट कर साता हो, वह भी आकुलता बनी ही रहती है, इसलिए दुखी रहता है। ये सब करते हुए साइकिल से इसके बाद ये, उसके बाद ये, ऐसा कहीं ना कहीं आजमाते हुए कहीं ना कहीं तुक्ता लग जाए, एंड समहाउ जैसी इसकी क्षति वैसे ही बाहर होने लग जाए तो थोड़ा सुख हो, बट कितने काल के लिए होगा। देखिए अकुलत, देखिए असाता मिटकर साता हो, वह भी अकुलत बनी ही रहती है, इसलिए दुखी रहता है। थोड़ा बहुत कुछ हुआ तो नहीं हुआ है उस संबंध में थोड़ा सा बना रहता है, अकुलत बनी रहती है। तथा ऐसे भी रहना तो होता नहीं, उपाय करते करते अपने को, कितने पॉइंट्स हो गए वैसे उस कॉलम में, तीन तीन हुए ना, चौथा पॉइंट मैं अभी लिखाऊंगा जो हम अभी यहां से पढ़े। तथा ऐसे भी रहना तो होता नहीं, उपाय करते करते ही अपने को असाता का उदय ऐसा आए कि उसका कुछ उपाय बन नहीं सके और उसकी पीड़ा बहुत हो, सही न जाए, तब उसकी आकुलता से विफल हो जाए, वह महादुखी होता है। लिसन ना एवरीवन, ये भी लाइन पढ़ लेते फिर। और सो इस संसार में सातक उदय तो किसी पुण्य के उदय से किसी के कदाचित ही पाया जाता है, बहुत जीवों के बहुत काल असाता का ही उदय रहता है, इसलिए उपाय करता है वे झूठे। ये भी एक पॉइंट लिखना चाहिए, कदाचित किसी के किसी काल में सातक उदय देखने में आता है। आप वैराग्य भावना में भी एक लाइन बोलते हैं, ना ही सदा सुख साधता, परमार्थ क्या है, ना ही कदा सुख साधता, कभी भी नहीं होती, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए क्या मान के चलो, सदा नहीं होता, कभी कभी किसी किसी को हो जाती है। मैं आपको थोड़ा कर्णन योग से समझाता हूं, आपने मैंने तब भी कहा होगा तत्व सूत्र का आठवां अध्याय आप लोगों ने पढ़ा, वेदने की उत्कृष्ट स्थिति कितनी पढ़ी है आपने, वेदने का ही उदाहरण दे बोलिए, 30 कोड़ा कोड़ी सागर, राइट, मैं आगे बढ़ता हूं। क्या आप जानते हो 30 कोड़ा कोड़ी सागर उत्कृष्ट स्थिति वेदनी की कही है, वैसे जग में स्थिति क्या कही है, 12 मुहूर्त कही, यानी वे हमको जग में स्थिति नहीं देखने, उत्कृष्ट स्थिति वेदनी की कही, हालत ये खराब है, उसमें भी साता असाता की बात करो, चर्चा हुई तो उसमें भी साता वेदनी की उत्कृष्ट स्थिति 15 कोड़ा कोटी सागर कही, और असाता वेदनी की उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोटी सागर कही, हर जगह ही अपने को आपको देखने मिलेगा। निष्कर्ष क्या है इसका, पता है कोई निष्कर्ष बताओ, स्वाभाविक रूप से पुण्य का अवसर बहुत कम है, दुगनी दुगनी उनकी स्थितियां बोली जा रही है। देखिए ना अभी गोत्र में भी चलिए, गोत्र की उत्कृष्ट स्थिति क्या है, 20 कोड़ा कोटी सागर, गोत्र में भी बोलिए उच्च गोत्र की उत्कृष्ट स्थिति 10 कोड़ा कोड़ी सागर कही, और नीच गोत्र की 20 कोड़ा कोड़ी सागर कही। अब उसमें भी देखिए, कोई ये कहे ठीक है ना साहब 1:2 तो 2:1 तो मिलेगा ही ना, अरे भाई तुम बात नहीं समझते हो,
उन्होंने ये कहा है, हम एक थप्पड़ भी देंगे तुमको और दो थप्पड़ देंगे और उसके बदले में खाने को एक रोटी भी देंगे। अब कोई ये कहे ठीक है सब दो रोटी खा लेंगे, एक रोटी दो थप्पड़ खा लेंगे, एक रोटी भी तो मिलेगी खाने के लिए, मिलेगी तो तुम खा नहीं सकोगे एक भी, क्योंकि जिस समय में तुम खाने को होंगे जंगली कुत्ते छोड़ देंगे यार। अब समझ रहे हैं मेरी बात को, कर्णल युग में कैसे घटित करेंगे, जो स्थिति कही है उत्कृष्ट, 15 कोड़ा कोड़ी सागर वेदनी की, सात वेदनी की भली कितनी कही, लेकिन उसका कहवत का है स्कीम, ये कहवत की है, दिखावटी है, उसमें मिलेगा कुछ नहीं। क्यों भले आदमी तरस परे में तुम्हारा टाइम कितना निकलेगा, सदी 2060 टाइम कहाँ जाएगा तुम्हारा, स्थावर में जाएगा। तो जब कोड़ा कोड़ी सागर की बात कर रहे साता की, इतना काल तुमको रहना ही नहीं है तरस में, तो इतनी आएगी कैसे उधर, तब तो सोच लेते तुम। इसका मतलब ये बंधते समय तो ऐसी बन जाती है, लेकिन जब एकेंद्रीय हो जाता है, और होना होता ही है साधिक 2000 सागर बाद होता ही है एकेंद्रीय होने के बाद उत्कृष्ट काल, फिर स्थावर होने के बाद, फिर जो साता उसके सत्ता में पड़ा था साता रूप उदय में नहीं आता, वो असाता रूप संक्रमित होकर उदय में आता है। कितने जन फोन कर रहे, क्योंकि एक समय में या तो साता का उदय होता है या असाता का उदय होता है। छद्मस्तों के, कभी आपने बात चली होगी, छद्मस्तों के प्रमुख उदय होता है, मतलब स्वमुख दोनों का उदय नहीं हुआ करता, स्वमुख एक का ही उदय होता है और दूसरे का उदय प्रमुख से हो जाता है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे जो मैं कह रहा हूं, क्या आदित्य ध्यान नहीं है तुम्हारा, यही तो दिक्कत है। मतलब वो भी आधा आधा जो स्थिति कही है वो भी दिखावटी है, भोगने को कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना काल तुमको रहना कहा है त्रस में, तुम ठेठ जाओगे स्थावर में, भोगोगे कैसे उस पुण्य को। ऐसे भी पुण्यों के साथ ऐसा ही है, ये देखने के लिए इतनी बड़ी बड़ी फिगर्स है, भोगने को नहीं आता। मैं क्यों कहा इतना सारा, ये दो पैराग्राफ्स को मैं इतना समझा रहा हूँ, अगेन वी विल रिपीट दिस टू पैराग्राफ्स, और जिसका अलग सा चौथा पॉइंट आपके उसके किए हुए उपाय झूठे क्यों है, इसमें चौथा कॉलम ये बनेगा। देखिए, तथा ऐसे भी रहने तो होता नहीं, उपाय करते करते ही अपने को असाता का उदय ऐसा आए कि उसका कुछ उपाय बन नहीं सके, गेटिंग, और उसकी पीड़ा बहुत हो सही न जाए, तब उसकी अकुलता से विवल हो जाए, वह महादुखी होता है। सो इस संसार में साता को उदय तो किसी पुण्य के उदय से किसी के कदाचित ही पाया जाता है, बहुत जीवों के बहुत काल असाता ही का उदय रहता है, इसलिए उपाय करता है वे झूठे, गेटिंग, देखते हैं। ओम।